कुक एट होम में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते की सब्जी। तो कोफ्ता ग्रेवी जो है वो हम बनाएंगे। कोफ्ते कैसे बनाते हैं, उसकी ग्रेवी कैसे बनाएं, इसकी आज हम रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। लौकी एक बहुत ही हेल्दी सब्जी है, तो इसे जो है हम कोफ्ते बनाकर आज इसकी सब्जी बनाएंगे। तो इसको पहले हम लौकी को धोकर छीलकर कद्दूकस करेंगे। अब ग्रेटर से हमने इसे कद्दूकस कर लिया है, ये जो मोटे छेद वाला इस पोर्शन है इससे हमने कद्दूकस कर लिया है। अब ये हमारी लौकी कद्दूकस हो चुकी है, जितनी आपको चाहिए उतनी आप कद्दूकस कर लें। और कद्दूकस करने से पहले जब आप लौकी ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि लौकी जो है वो कच्ची होनी चाहिए, इसमें बीज नहीं होने चाहिए, तो इसके कोफ्ते जो हैं अच्छे बनेंगे और कद्दूकस करने में भी आसानी रहेगी। तो अब हम इसको इसका बैटर बनाते हैं। अब ये हमने तेल रखा है, तेल गर्म हो रहा है कोफ्ते फ्राई करने के लिए, तब तक हम इसका वो बैटर तैयार कर लेते हैं। अब जो कद्दूकस किया था हमने ये लौकी, इस लौकी को थोड़ा सा हाथों में ऐसे लेके स्क्वीज कर लिए क्योंकि ये पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसको बाद में हम सब्जी में डाल सकते हैं। अब ये स्क्वीज कर लिया पानी, और साथ साथ जो है वो जैसे ग्रेटर से हमने लौकी कद्दूकस की थी तो इसको साथ साथ ही धो लीजिए। अब इस लौकी में हम डाल रहे हैं बेसन, बेसन धीरे धीरे करके डालेंगे जितना डलेगा। ये हम डाल रहे हैं नमक, थोड़ी सी हल्दी, ये मिर्ची पाउडर, और इसमें हमने थोड़ी सी डाली है अजवाइन। अब हम डालेंगे बेसन। बेसन डालते हुए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, इसमें जितना डल सकता है उतना ही डालेंगे और इसको साथ साथ इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये एक कोफ्ते के लिए बैटर बन जाए। अब ये देखिए, ये इसमें हमने मिक्स कर लिया है बेसन, उतना ही मिक्स करना है जितनी ज़रूरत है। ये हमने हाफ कटोरी से ज़्यादा लिया था, इतना बच गया। अब इसके हम बनाएंगे कोफ्ते। तेल गरम हो चुका है, तेल ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और कम गरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम में रखिए। और चम्मच से भी डाल सकते हैं, एक डाल के देख लीजिए कि बेसन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। ये देखिए आराम से हो रहा है, तो इसको जो है चम्मच से ऐसे डाल लें, जितने बड़े छोटे आप बनाना चाहते हैं उतने बड़े छोटे आप बना लीजिए, एक एक करके डाल लीजिए। फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखनी है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इन कोफ्तों को हम निकाल लेंगे। अब इसमें जो बाकी बैटर बचा हुआ है उसके भी हम कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते के लिए बना रहे हैं ग्रेवी। तेल गरम करेंगे और इसमें से थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा डाला है, और इसमें हम डालेंगे 3 कटे हुए प्याज, मीडियम साइज प्याज हैं जिसे आप बारीक चॉप कर लें, और इसे भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। इसे हिलाते रहिए और अच्छी तरह भूनें। अब ये प्याज जो हैं ये भून चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम डाल रहे हैं साबुत मसाले, लौंग, 4-5 काली मिर्च और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, लहसुन 7-8 कलियां बारीक काट ली है, और ये अदरक का एक टुकड़ा, हरी मिर्च, थोड़ा भूनने के बाद इसी में हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज कटे हुए टमाटर,
और इसे सॉफ्ट होने तक हम भूनेंगे और उसके बाद इसे पीसेंगे ठंडा करके। उसी कढ़ाई में हमने दोबारा जो भुना हुआ प्याज है वो डाला है और जो टमाटर पीस लिए थे हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च और साबुत मसालों के साथ, उसे भी हम बीच में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी इनको मिक्स करके मसाले को पकाएंगे जब तक ये मसाला अच्छी तरह भुन नहीं जाता। अब इसको हिलाते रहेंगे और पकाएंगे, ढक देंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, बीच में देखते रहेंगे। अब देखिए ये मसाला भुन चुका है, ये इसने कढ़ाई छोड़ दी है। अगर थोड़ा तेल ज़्यादा डालेंगे तो तेल आपको नज़र आएगा, जब मसाला तेल छोड़ दे या कढ़ाई छोड़ दे तब ये हो चुका है। अब इसमें हम पानी डाल के इसकी ग्रेवी के लिए कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। तो ये जो मिक्सी है, मिक्सी में भी पानी थोड़ा सा डालकर मैंने इसमें डाल दिया है, और जो हमने बेसन के पकौड़े कोफ्ते बनाए थे उसमें भी हल्का सा पानी डालकर आज मिक्स कर दें, क्योंकि ये बेसन ही है ग्रेवी को थिक करेगा और इसको वेस्ट क्यों करना। और ये घी का पानी है जो हमने निकाला था, अगर आप इसमें नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए, अगर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। अब इसमें हम देखेंगे कि कितना और पानी डल सकता है। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है। ग्रेवी जो है शुरू में थोड़ी पतली होनी चाहिए, क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे पानी को और फिर वो थिक हो जाएगी। कोफ्ते को तभी डालना है जब आप सर्व करना चाहते हैं या आप खाना चाहते हैं, उसको बहुत पहले मत डालिए। ये ग्रेवी बन चुकी है, इसको हम थोड़ा बॉयल करेंगे, पकाएंगे, उसके बाद कोफ्ते डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डाल रहे हैं मसाला, 1/4 चम्मच मसाला। अब ये ग्रेवी जो है ये बॉयल हो चुकी है, पक चुकी है, 3-4 मिनट बाद इसमें अब हम डालेंगे कोफ्ते। अब ये देखिए ये बन चुकी है कोफ्ता ग्रेवी, कोफ्ते की सब्जी बन चुकी है, अब रेडी टू सर्व है। अब इसे आप सर्व करें चपाती, नान, परांठा, राइस इसके साथ खाएं, अपने लंच और डिनर में शामिल करें। और ये सब्जी जो है अब रेडी टू सर्व है, और इसे जो है आप धनिया से गार्निश करें और सर्व करें। ये सब्जी जो है अब रेडी टू सर्व है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद बनाएं, अपने एक्सपीरियंस आप शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।